हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर विद ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, आप लोग देख ही रहे हैं हम कहाँ हैं। अपने ससुराल आ गए हैं और कल आए हैं 9 बजे रात में, क्योंकि यही 8:30 बजे घर से निकले। और धीरे धीरे वैसे जाम रहता, आप लोग को पता ही है रोड कितना जाम रहता, तो 9 बजे हम लोग यहाँ पहुंचे। और पहुंच के मुंह वगैरह धोए और वैसे खा के ही निकले थे, तो आके केवल कपड़ा वगैरह पूरा, हम जितना कपड़ा लाए थे पूरा गोदरेज में अटैच किए, पूरा गोदरेज में पूरा एडजस्ट किए। वैसे वैसे बहुत ज़्यादा कपड़ा लाए थे, और गोदरेज में मेरा आठ भी नहीं रहा है। वैसे बक्सा में आधा रखेंगे, आधा गोदरेज में रखे हैं, एडजस्ट किए हैं बहुत मुश्किल से। और बाबू हमको सरप्राइज दे दिए, ये देखिए। ये देखिए पीछे, वैसे शादी का फोटो आ गया है, और हमको वैसे बताया नहीं शादी का फोटो आ गया है, और अचानक देखे हम पूरा सरप्राइज हो गए सच में। और बहुत ही सुंदर है, बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो गाइस, ये देखिए इतना ही बड़ा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और मोबाइल में उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है। बहुत ही बड़ा है, बहुत सुंदर है। उधर हम दोनों का नाम है, और 21 मई 2023 शादी का डेट भी डालवा दिए हैं बाबू, और बहुत ही सुंदर दिख रहा। ये देखिए, क्लोज करके दिखा दे रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर और अच्छा लगा। और कब आया? वैसे बाबू हमको सरप्राइज दे दिए, बताए नहीं थे, और टांग भी दिए। हमको लगा आया नहीं होगा, और टांग भी दिए। बहुत ही बड़ा है, वैसे कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा, बहुत ही बड़ा है, बहुत सुंदर दिख रहा, लग रहा हाँ किसी का रूम है। देखिए बहुत ही सुंदर, और कोई घुसेगा तो लगेगा हाँ किसी का रूम है, और बहुत सुंदर लग रहा। वैसे हम तो पूरा सरप्राइज हो गया, बहुत खुश भी हो गए। वैसे हमको बताया नहीं, अचानक आ गया, और हमको बताया भी नहीं, आ गया है शादी का फोटो। ये देखिए, तो अभी हम तकिया सिलाई कर रहे हैं। वैसे बाबू धो के रख दिए थे, तो ही भर के सिलाई कर रहे हैं। अभी तो हम अकेले हैं घर पे, गोदरेज में आधा सामान एडजस्ट किए हैं, नहीं तो हो ही नहीं रहा। हम वहां से लाते हैं, पूरा लाते हैं ढो ढो के, यहाँ पे पूरा भरते हैं। हम सिलाई कर रहे हैं, वैसे कपड़ा नहीं तकिया वगैरह बाबू शायद धोए थे, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो हम सिलाई कर दे रहे हैं, सिल सिल दे रहे हैं तकिया को, ताकि गंदा ना हो। उसका नहीं सिलते हैं ना तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए सिल दे रहे हैं। यहाँ पे टांग दे रहे हैं, और गंदा नहीं होगा। अभी हम अकेले हैं, और ये देखिए टेडी को भी उठा के लेके आए हैं। वैसे हम अकेले रहते हैं, तो टेडी के साथ खेलेंगे तो बातें। यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पूरा खाली है, इसी के लिए हम लेके आए हैं। यहाँ रहेगा टेडी बैठ के। ये फोटो और मेरा लव फोटो फ्रेम, वो दोनों अलग है, दिखाते हैं। देखिए ये मेरा मोबाइल से खींचा हुआ है, और ये भैया खींचे थे, वही है, सेम है। देखिए ये मेरे भैया खींचे थे, और ये मोबाइल से खींचा हुआ है। और इधर है ये फोटो कैमरा वाला खींचा है ये, और ये दूसरा है, वैसे ये स्टूडियो वाला खींचा है। बाबू बाबू तो ये भी नहीं बना रहे थे, हम बहुत जिद किए तो जाके बनवाए हैं। और वैसे अभी हम पैसा दिए हैं, अब बाबू बोले बाद में दे देंगे, तो अभी मेरा पैसा का है ये। तो ये देखिए मेरा जिद से ये फोटो बना, और हमको पता ही, आप लोगों को पता है हम कितना जिद्दी हैं, आप लोगों को पता है हम कितना जिद्दी है, जो हम ठान लेते वो करके रहते हैं। तो हम बोले फोटो निकलवाए एक बड़ा, तो निकाले हैं। और अभी वैसे मेरा, हम पैसा वैसे पेमेंट किए हैं, वैसे हम पेमेंट किए पैसा, तो बाबू बोले हैं दे देंगे धीरे धीरे।
तो मेरे पैसा का है अभी तो अभी जा रहे हैं खाना वगैरह खाने, उसके बाद क्या ही है। फिर कल से मेरा सिलाई है, वैसे मेरा नहीं है वो दीदी का है, और दीदी का ही है, दीदी का वहीं से काट के लाए हैं। मेरी दीदी नहीं, वैसे मेरी सिस्टर इन लोग का, तो उसी का सिलना है। और तो कुछ है नहीं, आज नहीं मन कर रहा सिलने का। वैसे आज मेरा रेस्ट चल रहा है, कल से सिलाई करेंगे। वैसे टाइम नहीं बचता मेरा, टाइम ही नहीं मिलता, नहीं तो हम सिलाई कर लेते, टाइम ही नहीं बचता है। और कहाँ कहाँ बॉबिन वगैरह कहाँ कहाँ रख के गए हैं, यहाँ रखते हैं ना तो भुला ही देते हैं बाबू, कहाँ कहाँ फेंक देते, इसी के लिए हम छिपा के गए हैं। तभी देखते हैं कहाँ कहाँ रखे, हमको खुद नहीं पता हम कहाँ रखे हैं। निकालते गोदरेज में ही है, हमको पता है गोदरेज में ही रखे हैं, बट कहाँ रखे वो नहीं पता। मौसम इतना खराब हो गया कि पूछिए मत, पूरा बारिश हो रहा है, ठंडा बढ़ाएगा शायद, और वैसे झिमझिम करके बारिश हो रहा है, और ऐसे लाइट हो गया गुल, और हम अभी खिड़की खोल के बैठे हुए हैं क्योंकि लाइट तो है नहीं, और मम्मी वगैरह सब, मम्मी सोई हुई है तो अभी हम भी जा रहे हैं, राजा एक अंदर घुस के सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। वैसे हम खाना वाना कंप्लीट कर दिए हैं और अभी जाते हैं, वैसे कोई है नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और देखिए ठंडा का ठंडा लग रहा था, हम स्वेटर भी पहन लिए, वैसे निकाले गोदरेज से और पहन लिए, इतना ठंडा बढ़ाएगा कि पूछिए मत, वो ठंडा बढ़ाएगा। तो अभी कुछ काम है नहीं, वैसे लाइट रहता तो कुछ सिलाई करते, बट लाइट ही नहीं है, और सिलाई करने का हमको टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि टाइम निकाल निकाल के सिलाई करना पड़ता। अब लोग सोचते होंगे टाइम है सिलाई नहीं करते, बट ऐसा बात नहीं है, टाइम के लिए हमको टाइम निकालना पड़ता है, तो वहीं जाके हम सिलाई कर रहे। कितना रखा हुआ है मेरा वहाँ मायके में, बहुत देरी थी सिलाई करने के लिए, जाओ वहीं पे सिलाई करके लेके आना, बट हम लिए नहीं क्योंकि मेरा यहाँ जगह है नहीं, इसी के लिए हम बोले नहीं हम नहीं सिलेंगे, मेरा टाइम ही नहीं मिलता। क्या बोलते हैं, जगह नहीं है तो ऐसे टाइम ही नहीं बचता है, तो क्या ही बोले। तो चलिए वीडियो आज यही पेंट करते हैं, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। आप लोग भी ओढ़ आढ़ के सो जाइए, ऐसा मौसम है खराब, सोने का मौसम आ गया। पागल हो गया, अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।